मैं सोच के आती हूँ और मैं जब ब्रेक लेंगे तो फिर हम उसमें डिसाइड करेंगे क्या करना है। एंड आई विल गिव यू द सैक्रिफाइस ऑफ मी सिंगिंग, और आप लोगों के कानों की सैक्रिफाइस भी है और मेरी आवाज़ की भी और इज्जत की भी है, क्योंकि उसके बाद तो आप लोग मेरा शो नहीं देखते मेरे। अच्छा, इसके अलावा आई वॉज थिंकिंग कमिंग बैक टू समथिंग सीरियस, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको आप क्या किस तरह गाइड करेंगे कि वो क्या करें इस वक्त? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग एज आई सेड अर्लियर कि उसमें आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, है ना, आप में मुख्तलिफ चीज़ों को देखने की कोशिश होनी चाहिए। मुझे गालिब का एक शेर बहुत पसंद है, यू नो इट्स अमेजिंग, और मैं अक्सर अपनी क्लास के अंदर उसको वाइट बोर्ड पे लिख भी देता हूँ सबसे पहली क्लास के अंदर। उसमें आया कहाँ से नगमाए नय में सरूर नय, असल इसकी क्या है, नैन आवाज़ का दिल है कि चोबे नैन। और अगर आप देखें कि नैन कहते हैं बांसुरी को और चोब कहते हैं लकड़ी को, तो बांसुरी वाले का दिल से आप जब बांसुरी बजा रहा है तो वो खूबसूरत है, या उसकी लकड़ी की वजह से बांसुरी निकल रही है वो खूबसूरत है। ये दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी अच्छे स्टूडेंट के लिए कि वो दिल से काम करें। उसके बाद उसको ये भी आना चाहिए कि वो उसका अटैचमेंट और डिटैचमेंट होना चाहिए किसी भी काम से, क्योंकि उसका क्लाइंट भी है, उसके लिए उसको किसी को बनाना भी किसी के लिए भी बनाना है और मॉडिफाई भी होगा वो। तो मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं अपने स्टूडेंट को ये बताऊं कि अपने आप को किस तरह से मोटिवेट करें, किस तरह से उसमें क्यूरियोसिटी क्रिएट करें और हंगर होनी चाहिए कि किस तरह से वो और अगर आप मेहनत करते हैं, आप यकीन जाने मेहनत एक एनर्जी है वो कभी ज़ाया नहीं जाती। तो अच्छा, एक कॉल हमारे साथ लाइन में मौजूद है, काफी देर से पहले हम उनकी बात सुन रहे थे, फिर ब्रेक लेते हैं। शाहीन ने हमें कॉल किया कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सवाल करेंगी? सवाल बस ये है कि बहुत शिकवे, एक तो कार नहीं मिलती। अच्छा इसका मैं क्या करूं, इसको मैं किस तरह कवर करूं? ठहर जाएं, मैं आप कल तक का टाइम दें, मैं ऐसा कोई एक्सक्यूज लेकर आऊंगी ना, उसके बाद आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा। सही बात है और माशाल्लाह बहुत 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 प्रीटी लग रही है। थैंक यू सो मच। अच्छा सुने, हमारे पास आज मुकीम खान साहब बैठे हुए हैं और बड़े जबरदस्त ये ग्राफिक डिजाइनर हैं, डिजिटल डिजाइनर हैं, फिल्म मेकर हैं, टीचर हैं, पोएट हैं, म्यूजिशियन भी किसी हद तक हैं, क्योंकि अभी हम इनके टैलेंट्स पर ही बात कर रहे थे। कोई सवाल करेंगे इनसे? जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी जी, कहाँ गई शाहीन? हाँ जी, बताइए। तो आप हमें कोई अच्छा सा अच्छे से पोएट सुना दें। एक अच्छी सी पोएट्री कुछ सुना दें। देखिए, आपने प्रोग्राम के हवाले से भी कहा, आई थिंक आखिरी शेर जो मेरा है वो शायद उस हवाले से हो। इब्तिदा हुई मेरी रोते हुए और इख्तिताम भी मेरा रंज पे, उस मिक़दारे खफीफी मरकज़ी को अंदराज मसरूर देखता हूँ। फिशार मनाजर कुदरत हैं तेरे सामने, कहाँ हुआ तू है मुकीम, अपनी पुख्ता सी खाम ख्याली को अजब मखमसाए ज़िंदगी देखता हूँ। काश दिलों के नाते भी होते सिफर और एक, काश उनको पढ़ भी लेता एक के बाद एक। बेतरतीब सा बंधन सा नजर आता है, अब उनके मानों की धुंधली कोहर तो देख। तो शायद ये आपको पसंद आया हो, मगर ये कभी कभार जो हमारे अंदर का कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमारे अंदर की जो एक तगोदौ चल रही होती है, वो किसी तरह से कुछ अल्फाज की शक्ल में बाहर आती है। मेरे कहने की तो अब कुछ जगह नहीं रहती, मैं इसलिए ब्रेक ले लेती हूँ, कन्वीनियंट ज़्यादा है इसलिए। वेलकम बैक, सुबह बखैर ज़िंदगी। आज हमारे साथ एक्सट्रीमली टैलेंटेड मौजूद हैं, मगर अब हमारी लास्ट ब्रेक रह गई है, तो मैंने कहा कि मैं आज इनको सिंस ही इज़ गोइंग टू ट्रैवल आफ्टर दिस, तो हमने कहा कि इनको एक मेमोरेबल तस्वीर देनी बड़ी ज़रूरी हो गई है, सो दैट ही माइट रिमेंबर। बहुत बहुत शुक्रिया दैट ही वाज ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आप से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि रिक्वेस्ट ही करूँगी कि जब आप अभी तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, वापस आएंगे पाकिस्तान एक बार फिर, तो हमारे व्यूअर्स के लिए एक वर्कशॉप ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल, तो हम अगर आप अग्री करते हैं ऑन एयर तो हम अपने सारे व्यूअर्स को ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे, हम उनको बार बार बताते रहेंगे, रिमाइंडर्स डालते रहेंगे ताकि वो रजिस्टर करवा लें अपने लिए, और जब आप वापस आएंगे तो फिर वर्कशॉप ज़रूर करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ वो ये मैं सोच रही थी कि आप लोगों से ये भी ज़रूर पूछूँ, लोगों ने आपसे ये ज़रूर पूछा है कि हम किस तरह इस फील्ड में आ सकते हैं। जिस जैसे मुझे हसनैन ने एक मैसेज किया और उन्होंने कहा कि जी डिजिटल डिज़ाइनिंग में रियलिटी का कितना हाथ है। हसनैन ने गिलगित से मैसेज किया था ये। आपका पहला सवाल कि हम किस तरह इस फील्ड में आ सकते हैं, तो सबसे पहली इस फील्ड के बारे में रिसर्च करें कि ये कैसी फील्ड है। इंटरनेट में मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको आर्टिस्टिक भी होना पड़ता है बाज़ वक्त, मगर ज़रूरी नहीं। जब मुझे याद है कि किसी भी प्रोडक्शन हाउस में आपको मल्टीपल डिसिप्लिन्स के लोग उसमें नज़र आते हैं। आप वहाँ पे आर्टिस्ट भी नज़र आते हैं, डिज़ाइनर्स भी नज़र आते हैं, टेक्नीशियंस भी नज़र आते हैं, इंजीनियर्स एंड मुख्तलिफ आर्किटेक्ट्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर्स और टेक्नीशियंस और सारे लोग होते हैं। तो एक ये किसी भी अगर आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, किसी भी गोल को आप अचीव करते हैं तो उसके लिए मल्टीपल टैलेंट्स की ज़रूरत होती है। तो आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप में क्या करने की एक भूख है या लगन है। उसके बाद आप उसको अच्छी तरह से पूरी रिसर्च करें और उसके बाद कहीं से एक्सपर्ट लोगों से उसके बारे में मालूमात करें। इंटरनेट आजकल इतना अवेलेबल है हर जगह कि आपको सब चीज़ें पता चल जाती हैं कि क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या हो रहा है दुनिया में। तो ये तो आपके पहले सवाल का जवाब था। सवाल कि रियलिटी आप किस तरह से और क्या इसकी इम्पॉर्टेंस है। स्पेशल इफ़ेक्ट्स के अंदर रियलिटी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी स्पेशल इफ़ेक्ट देखते हैं और अगर उसमें कहीं भी कोई भी गलती नज़र आती है तो दी मोस्ट और जो हार्मफुल थिंग आपको नज़र आती है वो ये कि आप स्टोरी जो नैरेटिव चल रही होती है उससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि आप रियलिटी को इतना पॉलिश अंदाज में उसको शो करें कि आपको लगे ही नहीं कि ये कंप्यूटर से बना है। और वही उसका सक्सेस होता है किसी भी स्पेशल इफेक्ट का, कि सच अ ट्रांसपेरेंट लेयर कि आप उसको रिकग्नाइज ही नहीं करते हैं कि ये कंप्यूटर से बनी हुई है। आपने देखा होगा मुख्तलिफ आजकल तो एवेटार इज वन ऑफ देम कि कितना ज़्यादा रियलिज्म है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा इट ब्लोज योर माइंड अवे, इतना ज़बरदस्त है। अच्छा, आपकी पिक्चर्स का एक मॉन्टाज है वो दिखाना ज़रा ज़रूरी है, तो हमने कहा ज़रा मॉन्टाज देखते हैं और फिर उसके बाद हम रैप अप करते हैं शो को। Brilliant, very very pretty and wow, मतलब I'm really proud of you, really proud of you. आप represent कर रहे हैं पाकिस्तान को और बहुत सारे fronts पे, तो बहुत अच्छा लगता है कि इतने talented लोग हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। Last caller हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। You have to remember this. Thank you so much Mukeem Khan sahab. It was very nice talking to you. Thank you very much. Thank you for being on the show. अच्छा जी, thank you जिन लोगों ने आज show देखा, पसंद किया, calls